चौपाई सम मात्रिक छंद है। रामचरित मानस की रचना चौपाइयों में की गई है। चौपाई बहुत ही प्रसिद्ध छंद माने जाते हैं। ये चार चरणों में इनकी रचना होती है। ये सम मात्रिक छंद है। इसमें चार चरण होते हैं और सभी चरण में समान मात्राएं होती हैं। जैसे सम मात्रिक छंद से आपको प्रतीत हुआ होगा, तो जो मात्राएं हैं वो 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती हैं। यहाँ पर देखें, चौपाई के अंत में जगण या तगण नहीं होना चाहिए, यानी कि एक लघु, एक दीर्घ और लघु, इस तरीके की रचना अंत में नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पर तगण यानी दो गुरु और एक लघु भी नहीं होना चाहिए। अधिकतर रचनाओं में हम देखते हैं कि यहाँ पर या तो दो लघु होते हैं या दीर्घ होते हैं, यानी जो गुरु होते हैं, तो इस तरीके से चौपाई की रचना की जाती है। यहाँ पर एक उदाहरण देख लें। कंकन किंकिन नूपुर धुन सोने, कहत लखन सन राम हृदय गुने, मानव मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कहाँ कीनी। बहुत सुंदर रचना रामचरितमानस से ही ली गई है। कंकन किंकिन नूपुर धुनसुन, यानी सीता जी के जो कंगन हैं और किंकन जो पायल हैं, उनकी आवाज को सुनकर कैसा है, कहत लखन सन, भगवान राम जो हैं वो लक्ष्मण से कहने लगते हैं, क्या कहते हैं, हृदय गुण, हृदय में विचार कर कहने लगे जब उन्होंने ये आवाजें सुनी, ध्वनि सुनी कंगन की और पायल की, तो फिर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, मानव मदन दुंदुभि दीनी, लगता है जैसे कामदेव ने अपना प्रभाव जो है वो चारों तरफ फैला दिया हो, मनसा विश्व विजय कह लीनी, और जिस तरीके से उन्होंने जैसे संपूर्ण विश्व को अपने वश में कर लिया हो। बहुत सुंदर संयोग श्रृंगार का चित्रण है यहाँ पर, कि किस तरीके से संयोग में या आपकी प्रेम में संपूर्ण विश्व जो है वो कैसा लगता है, मानव मनसा विश्व विजय कह कीनी, संपूर्ण विश्व पर ही जैसे कामदेव ने विजय प्राप्त कर ली हो। अब चौपाई के हम छंद के हिसाब से जरा देखें। कंकन का में अंकी यानी अनुस्वार है, तो यहां पर गुरु हुआ, फिर क से एक एक वर्ण, दोनों की मात्रा एक एक ली है। किंग के ने यहां पर छोटी की मात्रा के साथ अनुस्वार भी है, इसलिए यहां पर ये कैसा, गुरु, यानी कि दो मात्राएं ली गई हैं। और क में यहां पर ख सिर्फ ई की मात्रा है, यहां पर अनुस्वार नहीं है, इसलिए यहां पर एक है, फिर ना की भी एक ली गई है। नूपुर, नूपुर में देखें बड़े ऊ की मात्रा है, इसलिए ये गुरु है, दो मात्राएं ली गई हैं। पा में छोटी ऊ की मात्रा है जो कि लघु है, तो एक मात्रा ली गई है। रा की भी एक मात्रा ली गई है। धोने ऊ की मात्रा है और छोटी ई की मात्रा है, तो दोनों में एक एक वर्ण लिया गया है। सुने यहाँ पर छोटी ऊ की मात्रा है और ई की मात्रा है, इसलिए एक एक मात्रा ली गई है। अगर हम सबको काउंट करें तो 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि 16 चरण। अभी आप देखेंगे कि सभी में 16 मात्राएं यहाँ पर बनती हैं, इसीलिए ये कैसा है, ये सम मात्रिक छंद है। दूसरी लाइन देख ले, कहत लखन सन राम हृदय गुण, कहत सभी लघु हैं, लखन में सभी लघु हैं, सन में लघु हैं, राम में रा गुरु है, फिर मां लघु है, हृदय में ये हा के साथ मिला हुआ है, तो ये एक ही काउंट किया जाएगा। द में एक ही है, लघु है, और गुण में क्योंकि छोटी उनकी मात्रा है तो इसलिए एक है, ना में छोटी की मात्रा है। अगर हम सबको काउंट करें तो 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16, तो इस तरीके से यहाँ पर 16 मात्राएं काउंट की गई हैं। नीचे की देखें, मानव मदन दुंदुभि दीनी, मानव, अब यहाँ पर माँ कैसा है, गुरु है, न हूं और हो पर छोटू की मात्रा है, इसलिए ये भी लघु में काउंट किया जाएगा। मदन एक एक मात्रा ली गई है। दुंदुभि, जब इसमें देखें दुंदुभि, इसमें अनुस्वार होने की वजह से यहाँ पर दो ली गई हैं, और यहाँ पर द में कोई अनुस्वार नहीं है इसलिए एक ली गई है। वहां में बड़ी की मात्रा है इसलिए यहाँ पर दो ली गई हैं। दीनी, अब यहाँ पर ये लघु इसके साथ संयुक्त वर्ण होने के बाद भी ये दो में काउंट करा गया है, ठीक है। और मनसा विश्व विजय कह कीनी, मानो मनसा, सा में अ की मात्रा है, दो काउंट किए गए हैं, विष्ट दो और एक, ये क्योंकि अनुस्वार है दो, एक एक ही काउंट किया गया है। विजय कह कीनी, तो कीनी में दो हैं,
यहां पर भी दो हैं, यहां पर भी दो हैं, तो काउंट कर ले, एक दो, दो चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह और ये चार सोलह। तो इस तरीके से यह सम मात्रिक छंद है चौपाई। चौपाई बहुत ही प्रसिद्ध छंद है, अक्सर हमें ये तुलसीदास की रचनाओं में तो हमें ये चौपाइयां मिलती ही हैं, और आप सभी क्योंकि रामचरितमानस से सभी परिचित हैं तो चौपाइयों से भी सभी परिचित हैं। आप भी लिखकर देख लीजिए, बहुत लोग आप लोग बोलते होंगे मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। लिखकर देखिए, काउंट कीजिए कि कितनी आपको मात्राएं उसमें आती हैं। हर चौपाई जो है क्योंकि सम मात्रिक छंद है इसलिए इसमें समान मात्राएं होंगी, तो हम लिखें और उनको गिनती करें, शब्दों को पहचानें कि कहां पर हमें संयुक्त अक्षर मिल रहा है तो किस तरीके से हम उन्हें काउंट करेंगे। तो ये था चौपाई एक मात्रिक छंद। मात्रिक Visit kalpanadubey.com for complete lessons and doubt clearing webinars. Subscribe to our channel to get the latest updates and videos. Subscribe now.